हरिचंद बजाज अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय हरिचंद बजाज की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, आप नेता अमित ढल, प्रिंस कुंभर, चितरंजन नारंग, ख्वाब नारंग, अश्विनी बजाज, नरेंद्र बजाज, रमेश बजाज, ममता बजाज, दीपिका बजाज, मोनिका बजाज, रजत, श्रुति, राघव, जतिन, अनिश, गौरीश, बहन भावना, कृष्णा सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा अलग अलग वर्गों से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय हरिचंद बजाज को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। श्रीमद् भागवत में अजामिल का वृत्तांत है। अजामिल ने अंतिम क्षण में क्या कहा, क्योंकि उसका एक पुत्र था जिसका नाम नारायण था, उसका जो है उन्होंने तीन बार नाम स्मरण किया। उस नाम सुन करते ही उनको जो है जीवन से मुक्ति मिली। प्रहलाद ने क्या किया, प्रहलाद ने भी जो है मात्र कल में ही उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आपने बाल्यकाल में ही भगवान विष्णु की आराधन करके भगवान के श्री चरणों का उनकी गोद में आश्रय प्राप्त किया। जुमले भी बाल्यकाल में भगवान श्री विष्णु का आराधन करके उनके द्वारा ध्रुव लोक की प्राप्ति की। मीरा ने भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके भगवान के श्री चरणों का स्थान प्राप्त किया। शास्त्रों में अनेक बखान आते हैं, शास्त्रों में अनेक उदाहरणें आती हैं कि जिन्होंने भक्ति के रास्ते को अपनाया है उसकी उनकी अवश्य जो है मुक्ति हो जाती है। हमारे बुजुर्गों ने ये नाम दिए, सभी अपने उन्होंने जो नाम दिए श्रेष्ठ कर है। लेकिन मैंने अपने अनुभव से ऐसा महसूस किया कि जीवन का मरण ये समझाती है। भोलेनाथ से जब पार्वती ने पूछा कि भाई ये क्या माजरा है संसार का, तो भोलेनाथ क्या बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब, ये संसार सब सपना है। और जैसे व्यास गति से पंडित जी ने बोला कि ये जग एक सराय है, सराय में हम कुछ समय के लिए आए हैं, और हमारे जितने भी पीर पैगंबर, जितनी संस्थाएं बनी हैं, जितने भी व्यास वाले, नरकारी या और अन्य जितने राम शरण, ये चाहते क्या है,